हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। संडे मॉर्निंग को मैं इंडोर प्लांट्स को पानी देती हूँ। ये एक रूटीन बन चुका है, क्योंकि अगर मैं वीकडेज में पानी डालूंगी तो कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, तो इसलिए मैंने ये संडे को रखा है। अभी देखिए, मेरे जैस्मिन प्लांट में बर्ड्स आ चुके हैं, फ्लावरिंग सीजन शुरू हो गया है। ये मेरा तुलसी प्लांट है। ठंडी की वजह से इन प्लांट्स को मैं अंदर ही रखती हूँ, सितंबर से लेके मई एंड तक। ये मेरे सक्यूलेंट प्लांट्स है, उनको वंस इन 15 डेज में पानी देती हूँ। ये पुदीना स्टेम से इनको मैं पानी में डाल के विंडो के पास रखा है। एक बार इनके रूट्स आ गए तो मैं इसको पॉट में डालूंगी। आज यहाँ वेदर बहुत अच्छा है, टेम्परेचर 20s में है, इसलिए मैंने जैस्मिन प्लांट और तुलसी प्लांट को थोड़ा सनलाइट में रखा है। The Sunday afternoon, it's a very lazy afternoon, तो मैं लेजी बनना नहीं चाहती आज, तो चलिए चलते हम थोड़ा प्लांटिंग करते हैं। अनियन और गार्लिक को मैंने थोड़ा पानी में डाल के रखा था, ये अच्छे से स्प्राउट हो चुके हैं, रूट्स इनके आ गए हैं। मैं इसको सॉइल में अभी ट्रांसफर कर रही हूँ। जब समर आएगा तो इनको मैं बैकयार्ड में डालने वाली हूँ। गार्लिक और अनियन डालने से रैबिट्स नहीं आते, तो आपके वेजिटेबल सेव हो सकते हैं, इसलिए मैं इनको बैकयार्ड में डाल रही हूँ। अभी हम आरना का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसका प्रोजेक्ट है कैसल बनाना, इसलिए हम कैनेटिक सैंड यूज़ कर रहे हैं। कैसल का मोल्ड भी हमारे पास है। ओल्ड चॉपिंग बोर्ड के ऊपर उसने अपना कैसल रखा है और कैसल का बॉर्डर उसने ब्लॉक से बनाया है। किनेटिक सैंड के लिड को उसने स्विमिंग पूल जैसा यूज़ किया है और अपने छोटे छोटे टॉयज रखा है, क्रिसमस ट्री भी रखा है, तो उसका प्रोजेक्ट ये कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही सिंपल चीज़ों से हमने ये कैसल प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। संडे शाम का वक्त है, चाय के साथ सबको चाट खाने का मन कर रहा है, इसलिए मैं पापड़ी चाट बना रही हूँ। पापड़ी चाट के लिए ग्रीन चटनी और स्वीट चटनी ऑलरेडी मेरे पास है। ग्रीन चटनी थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए इसमें मैंने पालक डाला है। वेजेस को मैंने कट कर लिया है। चटनीज आपके पास है तो ये पापड़ी चाट बनाना बहुत ही ईजी है। पापड़ीज को अरेंज किया है, उसके ऊपर पोटैटो, बीटरूट, टोमेटो, अनियन डाला है और बाद में उसके ऊपर ग्रीन चटनी और स्वीट चटनी डाला है। इसके ऊपर थोड़ा चाट मसाला डाला है और एंड में थोड़ा सा सेव और गार्निश किया है सिलांट्रो से। यम्मी पापड़ी चाट हमारा रेडी है। हमारे स्प्रिंग फ्लावर्स ब्लूम हो चुके हैं, ट्यूलिप्स बर्ड्स भी आ गए हैं। अभी हम वॉक के लिए निकले हैं। जैसा कि मैंने बोला था, बहुत ही अच्छा वेदर है, तो हम घर के अंदर बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। वी आर गोइंग फॉर अ वॉक नाउ। इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रेल हियर नियर अ हाउस। इस ट्रेल के बाद एक छोटा सा ब्रिज है, आप देख सकते हो ब्रिज के नीचे पानी है, और इस ब्रिज के बाद आता है एक सुंदर पार्क। ओपन प्लेस है, बड़ा सा ग्राउंड है। ये आरना का फेवरेट पार्क है। आज वेदर बहुत ही अच्छा है, सब लोग बाहर आ गए हैं, बच्चे खेल रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं। सितंबर से यहाँ ठंडी शुरू होती है, तो बहुत दिनों के बाद, सितंबर के बाद अब फर्स्ट टाइम आरना पार्क आ रही है, तो बहुत ही खुश है वो। उसको पार्क बहुत ही पसंद है, वो एंजॉय कर रही है। आज का ये वीकेंड ब्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड बी सेफ, टेक केयर।